बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें MCQ भी आ सकते हैं और मैच द फॉलोइंग टाइप के, कई किसी भी टाइप के आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि MCQ हैं और काफी डीपली NCERT से भी बनाए हैं। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, एक तो आपके सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन होंगे और प्लस वो क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं, और एक से दो या तीन क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि जो जेम्स प्रिंसेप थे इनकी मुख्य उपलब्धि क्या थी। आपको पता है इन्होंने किसी भाषा का अर्थ निकाला था, तो वो भाषा कौन सी थी आपको ये पता होना चाहिए। तो वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की, ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो था उसका अर्थ निकाला था इन्होंने। तो अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि इंडिका किताब जो है उसके लेखक कौन थे। तो इंडिका जो है वो मेगस्थनीज ने लिखी थी, और मेगस्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे, और उन्होंने भारत को देखा, भारत के बारे में जो भी इन्होंने समझा उसके बारे में इन्होंने एक पुस्तक में लिखा, इनकी पुस्तक थी इंडिका, उसमें उन्होंने विस्तार से लिखा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, यहाँ पे कह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधियां किसके द्वारा संचालित की जाती थी। तो इसका वर्णन जो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इंडिका में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया, उसमें बताया गया कि एक समिति होती थी और 6 उसकी उप समिति होती थी, इसके द्वारा क्या किया जाता था, संचालन किया जाता था। तो ये आपको याद करने हैं, वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। डीप क्वेश्चन जो है मैंने बनाया आपको आगे कराने वाला हूँ, तो इसे जल्दी जल्दी देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी निम्नलिखित में से। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, तो देखिए सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे अशोक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा, ठीक है। एनसीईआरटी में अशोक इस तरीके से आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं जो जातक कथाएं हैं वो किस महापुरुष से संबंधित है। अगर आपने जातक कथाएं पढ़ी हो या फिर आपको उसके बारे में पता हो तो आपको पता होगा वो बौद्ध से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाण भट्ट द्वारा हर्षचरित की रचना की गई थी, ठीक है। थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको इसके बारे में, हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट ने लिखी थी, ये जो ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इतने डीप आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है संस्कृत में लिखा गया था, और जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनके बारे में लिखा गया था, यानी कि उनका जीवन चरित्र उसके बारे में लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेठी जो आमतौर पे होते थे वो कौन होते थे, किसको सेठी कहा जाता था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, धनी, व्यापारी, शिल्पकार, किसान और सैनिक। तो ये जो होते थे व्यापारी होते थे, यानी व्यापारी वर्ग है, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और 18वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो थे वो किसने जारी किए थे, सबसे पहले भारत में। तो ये कुषाण राजा जो होते थे इन्होंने कह रहे थे, ठीक है, कुषाण आप यहाँ पे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मगध की राजधानी आरंभिक राजधानी थी। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत हो सकता है आपका आंसर, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ देते हैं और आंसर कुछ और लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द पे ध्यान रखना है, आरंभिक, बस यहीं से आपका क्वेश्चन गलत होता अगर आप इस चीज पे ध्यान नहीं देते तो। यानी कि मगध की आरंभिक राजधानी जो थी वो है राजगीर, ठीक है, राजगीर, जिसे राजगृह भी कई जगह लिखा मिलता है, राजगीर। लेकिन उसके बाद वो राजधानी कर दी गई थी इसकी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र को ही का वर्तमान नाम पटना है। आपको देखो कंफ्यूज कैसे किया गया, पाटलिपुत्र भी दे दिया ऑप्शन में, पटना भी दे दिया, तो ऐसे कंफ्यूज किया जाता है। तो आरंभिक राजधानी राजगीर थी, लेकिन अगर बाद में पूछा जाए कि मगध की बाद की राजधानी पूछा जाए या फिर लास्ट टाइम की राजधानी पूछा जाए तो वो पाटलिपुत्र होगा। तो यहाँ पे ये छोटा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग से हटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहे हैं प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना खालिस्तान ने की थी। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको ये बताना किसने की थी, पाणिनि ने, पतंजलि ने, चरक ने, आर्यभट्ट ने। तो बहुत आसान है, इसके बारे में भी अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूं तो अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है, 8 अध्याय वाली, यानी ऐसी पुस्तक जिसमें 8 अध्याय हो, यानी 8 लेसन हो। फिर दूसरा क्या है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये संस्कृत का ग्रंथ है, ठीक है, और ये किस चीज पे, ये व्याकरण का ग्रंथ है, जो संस्कृत की व्याकरण होती है ना उस पे लिखा हुआ ग्रंथ है, या फिर ग्रामर आप जिसे कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना था। 20वां, ये तो हो गया सपोर्टिंग।
अब चलते हैं हम अपने उन क्वेश्चन पे जो मैंने बनाए हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। ये क्वेश्चन थोड़े डीप होंगे, ध्यान से समझिए। प्राचीनतम अभिलेख खालिस्तान भाषा में लिखे गए थे, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है इसे मैं आपको भरना है। ऑप्शन है पाली भाषा, प्राकृत, संस्कृत, फारसी। तो यहां पे आपका आंसर होना चाहिए प्राकृत। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? तो इसके एक कारण नहीं थे, इसके कई सारे कारण थे। जैसे लोहे का प्रयोग बढ़ रहा था, सिक्कों का विकास हो रहा था, आरंभिक राज्य और नगरों का उदय हो रहा था, यानी तीनों ही कारण इसके सही है। तो आप ऑप्शन डी यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना कब और किस भाषा में शुरू की थी? जो ब्राह्मण थे उन्होंने धर्मशास्त्र जो ग्रंथ की रचना थी वो कब की थी? तो ये 6ठी शताब्दी है, ये आपको रटा होना चाहिए। तो आपका 6ठी शताब्दी आपको रटा होना चाहिए। अब भाषा कौन सी है? ब्राह्मण से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है आप संस्कृत ही करोगे, तो ये आंसर इसका संस्कृत हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अशोक, इसका आंसर अशोक हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में अशोक आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये वही युद्ध है जिसमें अशोक ने देखा कि भाई बहुत ज्यादा हिंसा हुई, मारकाट हुई, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे जिस बच्चे को पता नहीं होगा कि ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है तो वो यहाँ पे गलती कर देगा। या तो वो कौटिल्य कर देगा क्योंकि बुक में कौटिल्य लिखा है, या चाणक्य कर देगा अगर उसको नॉलेज है तो, और अगर विष्णुगुप्त की नॉलेज नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका आंसर है, और मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन बनाया है ताकि कंफ्यूजन हो। अब आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए, अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने। चाणक्य का जो पुराना नाम था, जो बचपन से जो नाम चलता है, वो विष्णुगुप्त था। ठीक है, चाणक्य वो अपनी बुद्धि और इसके आधार पे कहलाए थे। कौटिल्य भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं। और ये जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है ना, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे भी एक गलती होती है स्टूडेंट से। अर्थशास्त्र से हमें क्या महसूस होता है? अर्थशास्त्र से आप इकोनॉमिक्स आपको ध्यान आता है, क्योंकि आज के समय में हम इको को, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहते हैं, पर इसका संबंध अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भी नहीं है। ये राजनीति से संबंधित बुक थी, पुस्तक थी, राजनीतिक सिद्धांत वगैरह इसमें बताए गए थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसके बाद कहा जा रहा है कि पहला सम्राट सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जो थे वो प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। कौन था भाई वो पहला सम्राट? ठीक है, तो यहाँ पे अशोक ही होना चाहिए आपका आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि स्वर्णगिरी, वैसे ये सुवर्णगिरी है पर यहाँ पे मात्रा मैं नहीं लगा पाया था, मैं आपको दोबारा मात्रा लगा के दिखा देता हूँ। ये सुवर्णगिरी है। ठीक है, सुवर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या इसका अर्थ गोल्ड होता है यानी सोना, या इसका अर्थ होता है सोने का पहाड़, या फिर चांदी का पहाड़, या इनमें से कोई नहीं? देखिए सी और डी बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा सोने का पहाड़, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है? कौन से, मतलब ये दो क्षेत्र है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला और उज्जैनी। ठीक है, तक्षशिला और उज्जैनी, ये इसका हो जाएगा सही आंसर। और कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है मुश्किल लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे ही क्वेश्चन आसान लगे, ये आपकी पढ़ाई और आपकी नॉलेज के ऊपर है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना 20 मार्क्स के, उसमें से लगभग लगभग 17 मार्क्स के क्वेश्चन काफी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल जो आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने पढ़ाई करी है तो। और जो भी मतलब लड़ाई होगी वो आपकी 2 से 3 मार्क्स के बीच में मिलेगी, और जैसा पेपर का लेवल फिजिकल का आया है अगर वैसा पेपर आ गया तो आपके शायद 20 में से 19 क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएंगे। ठीक है, अब ये पेपर में ही पता लगेगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी जो करनी है वो थोड़ी मतलब हार्ड करनी है, ऐसा ना हो कि आप आसान समझ के तैयारी करें और बाद में पेपर में कुछ मुश्किल आए आप ना कर पाए। अगला क्वेश्चन है, महामात अधिकारियों का क्या कार्य था? महामात अधिकारियों का क्या कार्य था? ऑप्शन है राजस्व एकत्रित करना, या सेना की गुप्तचरी करना, या धम्म का प्रचार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा धम्म का प्रचार करना। ठीक है, अशोक से संबंधित है, आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा वहां पे आपको मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशियाई मूल के थे? मध्य एशियाई मूल के शासक कौन से थे? चोल हो गया, पांडे हो गया, शक हो गया, इनमें से तो आंसर हो जाएगा हमारा शक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गृहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो देखिए, ये छोटे किसानों के लिए भी किया जाता था, जमींदार के लिए भी किया जाता था, यानी इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए। बाकी अगर कोई भी किसी आंसर में मिस्टेक हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना, लेकिन करेक्ट करने से पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, कहीं ऐसे ना हो कि डायरेक्ट आप ज्ञान चमकाने लग जाएं और आपका खुद का आंसर भी गलत मिले, तो सोच समझ के सही तरीके से आंसर बताना। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपको याद होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन के लिए चंद्रगुप्त मौर्य डाला है, क्योंकि ये भी चंद्रगुप्त है और ये भी चंद्रगुप्त है, तो कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय था जिनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता था? ऑप्शन है राजकीय भूभाग, अग्रहार, कृषि भूमि, इनमें से कोई नहीं। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ये शायद क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, प्री बोर्ड में आई थिंक आया हुआ था। अग्रहार, अग्रहार का मतलब क्या होता था? अग्रहार का मतलब होता है ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी गई हो। अब मुझे एक कमेंट में बताइए, क्या इस भूमि पर भूमि का टैक्स लिया जाता था, भूमि कर लिया जाता था या नहीं लिया जाता था? आपके एनसीईआरटी में ये भी बात बताई हुई है, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण किस प्रकार अभिलेखों में मिलता है, किस प्रकार के अभिलेखों में मिलता है? देखिए, अभिलेख भी कई टाइप के होते हैं, अलग अलग तरह का व्याख्यान करते हैं, लेकिन जहां पे दान वाली बात आए, ठीक है, दान वाली बात आए, तो वो दानात्मक अभिलेख होते हैं, उसमें केवल और केवल दान के बारे में बताया गया होता है कि किस व्यक्ति ने किस धार्मिक संस्था के लिए कितना दान दिया, किस शासक ने कितना दान दिया, या जिसने भी दान दिया उसके बारे में उसमें लिखा होता था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता था? श्रेणी किसे कहा जाता है? तो ये जमींदारों का संघ है, किसानों का संघ है, व्यापारियों का संघ है, या अधिकारियों का संघ है? तो ये आपको देखना है, तो इसका आंसर होना चाहिए व्यापारियों का संघ। ठीक है, जो व्यापार करते थे। अगला है, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है। अब ये आपको ध्यान रखना है, पेरिप्लस कौन सी भाषा का शब्द बता रहे हैं? यूनानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा, यानी जब कोई समुद्री यात्रा करता था तो यूनानी भाषी भाषा में उसको पेरिप्लस नाम की संज्ञा दी जाती थी, तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के जो अभिलेख होते थे वो कौन सी लिपि में थे? तो ब्राह्मी लिपि में थे, और अगर आप दूसरी जगह में जाके देखोगे तो अलग लिपि में भी थे, लेकिन जो मेन, जो ज्यादातर अभिलेख पाए गए हैं वो ब्राह्मी में ही पाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवाना पिय का अर्थ क्या है? ये एक शब्द है देवाना पिय, इसका अर्थ क्या है? देवताओं का प्रिय, मनोहर मुख वाला देवता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा देवता, देवताओं का प्रिय, ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, आप इसका आंसर मुझे लिख के बताइए, सबसे कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, आह सिक्के का क्या अर्थ है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अभिलेख शास्त्र किसे कहा जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं मेरी नजरों में ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत अच्छे से याद करके जाना है, हो सकता है कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आपको देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।